फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड निकी और आज मैं सबके लिए लेके आई हूं एक गार्लिक की रेसिपी, गार्लिक लहसुन की अचार की रेसिपी, पिकल की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये अचार मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि मूली का और मिर्ची का, जो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो अपलोड किया हुआ है और वो भी मुझे बहुत पसंद है। और ये भी बहुत पसंद है क्योंकि गार्लिक हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम दो कलियां अचार के बहाने ही सही अगर खाते हैं तो बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसकी मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ईजी है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, ये गार्लिक का पिकल बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम, मैंने 250 ग्राम जो लहसुन है उसको अच्छे से पील कर लिया है। और मैं ले रही हूँ मसाला बनाने के लिए ये 3 चम्मच सौंफ है और ये 2 चम्मच राई है और ये चम्मच वो है जिसे हम खाना खाते हैं। ये 1 चम्मच मैंने कलौंजी लिया है, 1 चम्मच मैंने हल्दी लिया है, 1 चम्मच ये लाल मिर्च है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है इसलिए ज़्यादा लाल है और ज़्यादा तीखी भी नहीं है, कलर अच्छा आएगा इससे। और नमक लेंगे स्वाद अनुसार, बाकी मैं 1 चम्मच काला नमक डालूँगी और 2 चम्मच सफ़ेद नमक। तो दोस्तों, अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हम इन सभी चीज़ों को भून लेंगे, सौंफ, कलौंजी और राई को भून लेंगे हम अच्छे से, खुशबू आने तक इन्हें भूनेंगे अच्छे से। ये सेम गैस पे ही करना है। ये देखिए बिल्कुल ये भुन गया है, अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने मिक्सी में शिफ्ट कर लिया है ये भुने हुए मसाले को, अब इसे दरदरा हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने दरदरा इसे पीस लिया है, ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे एक बाउल में इसे शिफ्ट कर दूंगी। ये मैंने खाली बाउल ले लिया है, बाउल बिल्कुल सूखा होना चाहिए, किसी एक बूंद भी पानी किसी भी बर्तन में या चम्मच में नहीं होना चाहिए। ये मैंने शिफ्ट कर दिया। इसमें अब एक मिर्ची, लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ, हल्दी ऐड कर दूंगी इसमें, साथ ही नमक अपना स्वाद अनुसार हम ऐड कर लेंगे इसमें। ये देखिए मैंने काला नमक डाल दिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच सफ़ेद नमक डाला है, 2 चम्मच मैंने सफ़ेद नमक डाला है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इतना नमक बिल्कुल काफ़ी है ये 250 ग्राम पिकल के लिए। और अब मैं ऐड कर दूंगी सरसों का तेल, जो कि बिल्कुल प्योर है, कच्ची घानी का जो बोलते हैं, अगर आप भी कच्ची घानी का बिल्कुल प्योर सरसों का तेल इसमें मिलाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने 1 कटोरी लगभग इसमें सरसों का तेल मिला दिया है। मसालों को पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अचार बनाने में बहुत इजी है और उतना ही यमी है। अब मैं जो हमारे मैंने लहसुन छिलके रखा था, ये भी बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए किसी भी बर्तन में, स्पून में, किसी में भी, उतना ही पिकल आपका चलेगा। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला पूरा अच्छे से गार्लिक में कोट हो जाए। देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने कोट कर लिया है, रेडी हो चुका है। तो इसे टाइम लगेगा अभी 4 से 5 दिन बनने में। अब इस गार्लिक पिकल को स्टोर करने के लिए आपको कांच का एक जार लेना है। तो मैंने कांच का जार लिया है जो बिल्कुल साफ़ है, उस पानी नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए, उतना ही आपका पिकल चलेगा। तो मैंने इसको फिल कर लिया है और ये इंस्टेंट अचार नहीं है, इसको टाइम लगेगा, 1 हफ्ते तक इसे धूप में रखना है तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बाकी मैंने मूली और मिर्च का जो सिखाया था वो इंस्टेंट अचार था, 24 आवर्स में रेडी हो जाता था। तो ये गार्लिक का पिकल जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में या कोई हेल्दी टिप्स के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।